मुबारक हो बजा आ रहा है झूठ बोल रहा हूँ दिल दुखा हुआ है यार हमदरी साहब ने जो है ना हमारी एक तसीफ़ फरमाई कि हम जो 2008 9 वाले पीआईए की बात कर रहे थे वो प्राइवेटाइजेशन की नहीं थी वो सिर्फ कोड शेयरिंग था और जिस पे मसला जो है वो ऑपोजिशन ने नहीं आ, यूनियन तो बेसिकली जो यूनियन वाले थे लेबर वगैरह उनका ये प्रॉब्लम था यूनियन वालों का तो आ, ये बात बिल्कुल ठीक है असल में इतनी दफ़ा बात हो चुकी हुई है कि वो फिर रिपीट होती है तेज़ी तेजी में आप जो है ना उसको वो उस तरह से कर देते हो इसमें कोई शक नहीं कि यूनियन उसके ख़िलाफ़ थी कोड शेयरिंग था जो बाद में कोड शेयरिंग फिर पी आई ने की भी कुछ साल बाद आज तक भी शायद हो रही है किसी ना किसी एयरलाइन के साथ लेकिन इसमें एक तो ये कि हम आज़त ख्वाएँ हम तसी आपको कर रहे हैं और इसमें दूसरा जाहिर है मेरा थोड़ा सा ये भी था ना कि आप जिस तरह आज अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना हाँ किधर गई यूनियन ठीक है हाँ। प्रॉब्लम ये है कि वो यूनियन वैसे तो हम यूनियन वालों के भी साथ हैं हम तो आपको पता है दर्द दिल वाले लोग हैं है। वैसे यूनियन वालों के साथ ही हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनियन वालों को भी हम अमूमन अपोजिशन की तरफ से भी वो मिलती है क्योंकि सियासतदानों को प्राइवेटाइजेशन से इन एसेंस कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो सबका दिल यही करता है कि वो प्राइवेटाइजेशन हो उनके दौर में तो मतलब बाकी तो वही ना और यहाँ पे जिस किस्म के मसाइल होते हैं ना कि ओ, ओ, विकन लग गया पाकिस्तान विक गया मतलब ये अभी जब लिस्ट आई है पूरी पाकिस्तान क्या कुछ प्राइवेटाइज करना चार है अभी मतलब फिर भी बात है हो नहीं रही देनी चाहिए थी बहुत अरसे पहले चाह रहा है जो लिस्ट आई है उसमें ये हमारा वो मेरे ख्याल में टूरिज्म का मिनिस्टर है

लेकिन बहरहाल मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि दो डॉक्टर्स ने भी एक तो असमन था एक खातून थी

वो ये है तीस हजार रुपए की नौकरी अब तीस हजार रुपए की नौकरी का मतलब यही है ना कि ना वाली बात ही हो गई ना आपका पेट्रोल लग जाना है सो so, लेकिन ऑन अदर हैंड फिर वो प्रॉब्लम भी है 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 कि कि अब ये डॉक्टरी फील्ड ही ऐसी है कि मतलब जाहिर जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई है उसके लिए तीस हजार रुपए की नौकरी नहीं है उसको तो मसला भी शायद नहीं है नौकरी चाहिए भी नहीं है प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मतलब अमूमन जिस तरह होता है ना कि एक बच्चा बीकॉम करके जब निकलता है या इंजीनियरिंग करके निकलता है तो वो मास्टर्स

फिर जाके कहीं तो ये वाले मिसाइल थे एक्चुअली एम बी ए वालों को अब एक मसला ये पड़ गया हुआ है कि नाउ नाव दर मतलब उनको मुझे लगता था कि एम बी ए तक एजुकेशन हो गई इसके बाद जरूरत नहीं है लेकिन अब इस चीज़ का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि अब आप एम फिल करें आपके एजुकेशन में वो शामिल होना चाहिए पी एच डीजी ओनली एक्सेप्शन की अगर आप करना चाहते हैं वो भी अब ज़्यादातर एम बी एस जो है उस तरफ स्विच कर गए एटलीस्ट माई एंटायर बैच शिफ्ट टू पी एच डी बिकॉज दे वर लाइक के इतनी सैचुरेटेड मार्केट है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा करने के लिए वहाँ पे अलस कि आप रिमोट हो जाए और ठीक है और ऑनलाइन चीजें उठानी शुरू कर द इंडस्ट्री हैव दैट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यहाँ तो एक और भी जो मैंने चीज़ नोटिस कर, नोट करना की है न, वो है कि कुछ, लेकिन कुछ में ये भी हुआ है बल्कि ये शायद ए का कोई कानून हो कि उस्ताद के लिए जो है वो होना जरूरी है yeah. अच्छा अब वो जरूरी के चक्कर में जो उनके आते हैं ना मतलब अगर किसी को विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर लेके आया जाता है कि ये प्रोफेशनल है, ये टीचर नहीं है, ये प्रोफेशनल है 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 नहीं इंडस्ट्री से उठा के लाए हैं अब उसको सेल, उसको कम पैसे जा रहे हैं लेक्चरशिप के बजाय कि एक ऐसे बंदे को जो कि एम फिल है और बस पढ़ाता है हाँ। अब हालांकि वो इस तरह होगा क्या कि वो जो इंडस्ट्री के लोग आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे

I don't think so, हर यूनि या हर कॉलेज को इस प्रोग्राम को स्टार्ट भी करना चाहिए because they don't have the kind of things जो आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए या आपका एक्सपोजर या एक्सपीरियंस उस तरह से होना चाहिए इट्स नॉट अच थे अब इस समय रेगुलर उस पर चलते हैं हाँ. आखिरी बात यह करनी थी कि हम इधर जो है ना एक तो माफी चाहते हैं जब इधर गलतियाँ होंगी आपने तह करानी है हम उसको आके स्क्रीन पे दौरा दिया करेंगे, एक चीज हाँ। नंबर दो चीज ये के कोई हम बैठे के साथ इंगेज करते इंगेज हैं। करते है बता देते है कि जी ऐसे हो और ऐसे नहीं। और आपने जो है न सड़ा हुआ मैसेज ये बस टूटे अच्छा फिर से बात क्या करें हमारा उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है अच्छा आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको 26 छब्बीस रुपये जो है दस बजे है हम सारों को पेट्रोल पम्प पेट्रोल की एंड uh, फिर बहुत ही ज़ोरों शोर से डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि जी फोर डे दे कर दें इन अ वी थ्री डे अ वीक कर दें एंड स्पेशली द टेक साइड ऑफ दिस एंड आई डोंट थिंक सो गे प्लान टू डू इट जो प्राइमरीली कोई भी नहीं इस चीज़ पे घास डालता है लेकिन फिर वही बात है कि हमारा वर्क डिसिप्लिन इतना ज़्यादा खराब है कि कोई भी जो है ना वो गारंटी नहीं देता कि जी हम आपको उतने आवाज़ वो काम करके देंगे बट अब क्या किया जा सकता है कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज़ का अच्छा जी अभी तो मतलब करना क्या है आज क्या तरीक़ है ट्वेंटी uh, इतना हाँ तो तीस uh, को फिर बढ़ना है पेट्रोल नहीं खैर मैंने ना बहुत अच्छे टाइम पर रिज़ाइन कर दिया है अली मैं जाती ही नहीं अब मैं बस पढ़ी रहती हूँ किसी को बहुत आई होती है ना कि हमने तुमसे मिलना तुम कहती हो आके मुझे पिक कर लो अगर पिक कर सकते हो तो ठीक है मैं आ जाऊँगी वरना मैं नहीं आ रही हूँ अच्छा जी आगे चलते हैं आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की जो है फुल कोर्ट आप सबको बहुत दोपहर को फुल पेंच बैठा हुआ था प्लीज़ ऑनरेबल्स के लिए एक्सक्यूज़ मी सर तो बहुत अच्छा है ना? बहुत जबरदस्त uh, ये जो लोग इसके खिलाफ हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती know, हाँ, मतलब, वो और वैसे भी वो जो है ना कि ये इंसाफ को किया जा रहा है और इसको कमोडिटाइज़ किया और पता नहीं क्या वु। किया वु। है <laughs> उस... से तो कोई, कोई ट्रांसपेर तो कम मतलब जितनी भी आपको समझ आ रही है ना इस मौके पर ये ये आर्ग्यूमेंट था करने वाला या कोई सवाल था करने वाला हाँ तो ये तो इसमें तो कोई मसला है ही नहीं मतलब फिर भी बात है आज ये फैसला करना के किसी मोहब मुल्क में Uh, कौन सा केस होना चाहिए कौन सा नहीं। ये इधर तो सारा कुछ ही कर दो मतलब फिर कोई बात है यहाँ रेप केस है खुदा ना खास्ता जाहिर है वो नहीं हो सकता ठीक है अदरवाइज और ये तो खैर इस तरह से कोई फ्री कैन वाले केस तो कर भी नहीं रहे अभी नहीं, तो ये नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मामला हाँ। है ना कि जी वो केस किस तरह से लगाने चाहिए ये वो वाली बात है कि क्या होने चाहिए उनके पास चीफ जस्टिस क्या इख्तियार होने चाहिए ये तो अभी उस तरह के मामला आते हैं मैं तो ये कहता हूँ

वो एक लाइव चल रहा था और साथ में दूसरे चैनल पे देख रही कि वो ना आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सारी चीज़ें लग रही थी वो एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है जो, जो, जो है फाइज़ी जी अगर कोई बात हैं या कोई और दूसरी कोई बात कर रहा है उसको काट कूट के जो स्टेटमेंट्स मीडिया जिससे मुझे लगा कि कि को भी कितनी दफा ने out of context जो है वो किया होगा because बस नहीं नहीं पूरी हमने खबर देनी नहीं तो मैं ये this is another reason yeah. क्यों ये क्यों होना चाहिए exactly. पहले भी इसका मतलब है कि जो आपको रिपोर्ट करते थे reporters वो ठीक नहीं था तो ये ज्यादा आसानी है अच्छा दूसरी चीज ये कि अब अगेन आई डोंट टू मेक एनिमीज़ लेकिन ये बना रहा है मैंने <laughs> हाँ. लेकिन मसला ये है कि अच्छा मैंने तो ये हालांकि देखा नहीं लेकिन मैंने थोड़ा सा ये चेक कर लिया कि किस वक्त क्या स्टैट्स चल रहे थे सो so, एक टाइम ऐसा था जिसमें सिर्फ जियो की YouTube पे तीन लाख लोग देख रहे थे ठीक है अच्छा अभी ए पे लहदा देख रहे होंगे हाँ. XYZ वाई सब जेड सबसे कम पीटीवी न्यूज़ पे देख रहे थे जिसमें मैं थी अच्छा मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर सरकार ये कहे कि जी मतलब अगेन इसमें भी कोई कानूनी चीज हो सकती है कि जी सरकार जो है वो सांप बन के नहीं बैठ सकती इस तरह की चीज पे इस पर पूरी दुनिया का हक हाँ है आर टी आई राइट टू इंफॉर्मेशन टाइपर लेकिन अगेन पीटी वी इसमें से काट तो कुछ नहीं रहा अगर तो काट रहे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम सो मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि yeah. अगर पीटीवी कहे कि सिर्फ हम ही दिखाएंगे ताकि वो रेवेन्यू सारा सरकार के ही पास जाए hmm. तो इसमें क्या बुराई है नथिंग वी डोंट नो यू टेल कितने लोगों ने उस बात की कि मतलब एक तो ये था कि डेडीकेटेड चैनल ही अगर अपना बना लेना पी टी वी देट वुड भी बेटर बिकॉज वो बीच में जो हैडलाइंस आ रही थी ना बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे आर्ग्यूमेंट सुनते हुए तो बहुत लोगों ने और मुझे भी ये लगता है कि अपना एक अलहदा चैनल जो है वो डेडिकेट करते हैं उस पर नॉन स्टॉप चलती रहे ठीक है एंड टाइम इज राइट टू मोनिटाइज इट इन दिस वे बिल्कुल और दूसरी वो भी कह रहे हैं ना लोग कुछ दिनों में अपने फैसले के साथ जज लिखवाया करेंगे कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें so? अच्छा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है so? देखें जिस तरह से जिस तरह से लॉयर्स आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ ये देयर इन द दे बिजनेस ऑफ जस्टिस सब दो चीजें दुनिया में कारोबार है और इस वक्त जिस तरह से हम पहले भी कहते रहे हैं इस वक्त जजेस की एक बहुत बड़ी नीड है लॉयर्स की एक बहुत बड़ी नीड है कि उन्होंने साबित करना है आवाम को कि वो बड़े अच्छे हैं या हो सकते हैं वरना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि लोग उनके पास आना छोड़ देंगे जब लोग उनके पास आना छोड़ देंगे तो क्या होगा उनका

वो एक बड़े के पास लेके चलते हैं चले जाते हैं कि जिसको हल कर दें अच्छा वो कहता है कि जी मेरे ख़्याल में इसको यूँ कर लो या इसको वो कर लो वो जिसके खिलाफ फ़ैसला आता है ना वो कहता है कि ये तो जो फ़ैसला करने वाला था ये ठीक नहीं था वो क्या करता है कि उसके बारे में बेबुनियाद खबरें बना के या उसके वाकई कुछ ऐसा मटीरियल करके कि उस पर वो साबित हो सके वो उसको रिपोर्ट कर देता है आगे आला हुकाम को बेसिकली इधारों को जो लॉ एंड ऑर्डर वाले वो जाके उसको पकड़ते हैं सो so, ये हो क्यों है क्योंकि लोग जब उनके दरमियान कोई भी तनाजा होता है वो पुलिस के पास जाने के बजाय एक पहले किसी बड़े के पास क्योंकि वो पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहते क्योंकि वो अदालत जाना ही नहीं चाहते अब ये ये खत्म हो जाएगी ये सारी बिल्डिंगे रह जाएंगी इसमें कोई बंदा नहीं होगा अगर बीबी इनके पास क्या 57,000 सेवन केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पड़े हुए हैं जो पड़े हुए हैं उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है तो फिर आप खुद ही सोच लें कि मतलब सिचुएशन क्या है पर एनी वे बैड इस वक्त किसी भी किस्म की नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी इस वक्त कुछ भी करें और मुझे नहीं एक तो ये तो सारा आर्ग्यूमेंट इट मेक्स ऑफ सेंस एंड एवरी वो मुझे वैसी समझ नहीं आ रही कि एक और चीज़ आपको देखने को मिल गई है वहाँ पे मिलती है या ड्रामो में सारे रो रहे होते हैं एक एंटरटेनिंग चीज़ है यार जा क्या आ रहा है मतलब गुस्सा किस बात के मुझे ये समझनी स्पेशल शावरा टू आर अटर्नी जनरल आप बहुत गुड लुक है। अगर आप लोगों में से कोई लॉयर है तो ये हिस्सा काट के आपने उनको भेज देना है बहुत बहुत हैंडसम इंसान है एंड वेरी स्मार्ट एज वेल चलो मैं आगे चलती हूँ इससे पहले मैं मजीद कुछ बोल दूँ अच्छा जी यार मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई यही सुप्रीम कोर्ट की लाइफ उससे क्योंकि परवेज़ इलाही को फिर <laughs> जो है ना हम परवेजियंस जो हैं वी कंडेम दिस एक्ट ही वॉज अरेस्टेड अगेन आपने कुछ अर्सा पहले ये बात की थी कि कुछ तो है जो परवेज इलाही जो है वो यू नो

इन दोनों का ख्याल अपने बारे में ये है नवाज शरीफ और इमरान खान का कि ये कोई नजरियाती जंग लड़ रहे हैं ठीक है वो वो सही कहते हैं गलत कहते हैं प्रॉब्लम परवेज इलाई ने तो अपने मुंह से भी कभी नहीं कहा कि मैं एक नजरियाती <laughs> आदमी हूं जितना भेज दिया कहा भी नहीं और एक्ट से भी यही हमने साबित किया है कि हमारा कोई दीनमान नहीं भाईजान आप देखें जिस अब कल एक वी लॉग आया ठीक है वी लॉग साहब का ठीक है उसमें बताया गया कि जब मीडिया मालकान की ब्रीफिंग हो रही थी तो स्टेज पर कौन कौन सा जनरल था जो मुखातिब था मालकान से और उनमें एक बंदा था जो के आ, मतलब ना मालकान में था ना इनमें था वो थे फैसल वाटा साहब अच्छा अब अगेन इस, इस खबर का कोई ताल्लुक ही नहीं उससे जो हम बात कर रहे हैं मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ वो आप वीलॉग अगर सुनेंगे ना ठीक है उससे भी वही चीज साबित होगी कि अगेन वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं ठीक है इससे कत्ता ताल्लुक जो वो बात कर रहे हैं क्या वो उन्होंने खुद से घड़ ली है वो उन्होंने खुद ही सोचा और आपको बता दिया या वो बात आई है कोई सोर्स है उनका तो अब इसमें खुल के जाहिर है हम बात नहीं कर सकते लेकिन ला ला ला, ला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है ना परवेज ने तो वो बाहर आ जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना वो नहीं कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कुछ तो है कुछ तो है ठीक है और कुछ होने के लिए ही है ठीक तो है ही वुडंट एक्चुअली सैक्रिफाइस हिज होल लाइफ फॉर दिस ठीक है इतना नजर आती तो खैर तुम्हें काश तक कोई नजर आती नजर आया वैसे है कोई? जवानी में मैं होता था <laughs> हो नहीं है ना उनसे बस रुक गए अच्छा इसकी जवानी को ट्रिब्यूट इतने लोग पेश करते ना वही गाने बार-बार लगा-लगा के कि यार ये था ठीक है ये होता था ये करता था पर एनी वे गुड पे वेट बाई द वे आई अप्रिशिएट दिस एंगल इन लाइफ अच्छा यार हमारी केयर टेकर प्रे, प्रे क्या हो गया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अमेरिका गए हैं यूएनजी यू मैं वही कहने लगी थी कि मुझसे यूएनजी है नहीं बोला जाता यूंगा है बस एंड में अगर <laughs> एल भी लगा ले तो मर्जी और ज्यादा आसानी हो जाए <laughs> वही ना तो वो यूंगा जो है उधर वो गए हुए हैं एंड वो जो ताहिर इमरान साहब हैं जो बहुत ज़्यादा अपडेट देते हैं टैब्स रखी होती हैं उन्होंने सारी फ्लाइट्स के ऊपर कौन सा जहाज किधर जा रहा है तो उन्होंने बताया कि जी ऑफिशियल गल्फ स्ट्रीम जेट से वो न्यूयॉर्क गए एंड अराइव इन पेरिस ऑन सेवनटीन्थ एंड डिपार्टेड फ्रॉम देयर ऑन एटीनथ और सेवनटीथ और अठारह को जो है देवर अराउंड डजन फ्लाइट्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कुड हैव टेकन बट ही डेंट ठीक है और वही डेट इंक्रीज हुआ और हमारे ऊपर खर्चे पड़े बर्डन एंड ऑल ऑफ़ दैट आज जिंदगी में कभी किसी ने कुछ ख्याल किया इस चीज का कि मुझे जेट पे नहीं जाना चाहिए वो क्यों छोड़ेंगे ये चीज ही हैज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ही इज नॉट गोना गेट दिस चांस तो वो कैसे कह दे हां हा, उनका तो ये भी नहीं है कि दोबारा वो कभी इलेक्शन जीत के <laughs> आ जाएंगे और फिर वो नहीं आएंगे वो <laughs> well, नहीं आ रहे ही इज नॉट हैवंट यू सीन अ सेल्फी जो वो यंगा में खड़े होकर यूं करके वो तस्वीर तो खींचे जैसे कोई इंटर्न बैठा हो वहां पर ठीक है तो वो इतनी एक्साइटेड उनका तो ट्रिप है उनकी तो हॉलिडे चल रही है व्हाई वुड ही मिस दिस अपॉर्चुनिटी असल हाँ, में फिर वही वाली बात है कि वो जो है ना क्योंकि हमारे से उनकी मतलब मार्बल फैक्ट्रिया और ये वो सारा कुछ हाँ, मैं नाम क्यों ले हमारी <laughs> प्लीज नहीं सो हाँ। उनका ना वो वाला लेवल है कि उन्होंने जिंदगी में बाकी सारी एंटरटेनमेंट तो वैसे ही कर ली हुई है जहाज ही रह गया था अब जहाज भी मतलब ये वाला रह गया था कि अकेले जहाज में बैठ के तो मतलब सो so, वो उन्होंने वो कर लिया मसल हमारे जैसा बंदा हो तो वो शायद ये ना करे इसलिए नहीं कि हम नेक हैं बस हम ये कहेंगे कि अच्छा यार किन्ने मिलियन का आंदा है जहाज अच्छा एने मिलियन ए मैं, मैं फ्लाइट फाड़ लेना पी आई ए दी एने मिलियन ना मेरे अकाउंट पा दो कैश पर चलते हैं <laughs> हमारा मसला ये है कि हमें सिर्फ पैसे खरे ये चाहिए होते हैं अच्छा जी, है जी आज बहुत बड़ा दिन है।, है और बहुत बड़ा दिन इस तरह है कि नसीम तारिक की सालगिरह और नसीम तारिक जो है वो मेरी बहन की कॉलेज से फ्रेंड है Aww. और नसीम तारिक जो है ना वो डेडिकेटेड मदर वाइफ कमाल की गायनोकोलॉजिस्ट hmm. और स्टाइलिश hmm. और वेम्पायर भी हैं साथ में क्योंकि उन्होंने हर वक्त शेड्स लगाए होते हैं nice. तो hey. उनके लिए गाना जहां आरा की तरफ से आ, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पर यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो पल को ले के साए। पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़ के ही जाए इस हाथ को तुम थाम लो ये मेहरबान कल हो ना हो हैप्पी बर्थडे नसीम और मुझे जहाँ आरा ने गाना नहीं बताया था उसने कहा था कि खुद ही से कर लो बस तो ये मैंने खुद ही से किया है होपफुली ये ठीक होगा और एंजॉय योर डे ठीक है आप और... तो यही होती हैं अगर आपने हमें पार्टी करवानी हो बुलाना हो बर्थडे पे तो, तो वेलकम मैं अभी कहने लगी थी अब प्रैक्टिस करती हैं <laughs> यहीं पे करती हैं मतलब पे कोई यू नो कांटेक्ट शॉर्टकट किया जाए ठीक है हैव फन ऑन योर डे और हमें uh, अगर आपने किसी और भी फंक्शन पे बुलाना है तो हम आ, आने के लिए तैयार हैं ये वो सब कुछ करते हैं एनीथिंग वी आर रेडी एनीवे गाइस दिस इज इट विल सी यू टुमारो बाय